परीक्षा से एक माह पूर्व विषय को बदल दिया गया। जब उससे संपर्क साधा गया तो उल्टा सीधा बात किया, भंसी भंसा करके हम लोगों को धक्का देकर गेट से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अधिकारियों से संपर्क साधा तो अधिकारियों ने कहा ठीक है, कार्रवाई होगी। जिसमें जांच में ये आया कि वो स्कूल ही बिना मान्यता के चल रही हैं 2-3 साल से। जब उसकी जाँच हुई तो विद्यालय तो अवैध घोषित हो गया। काफ़ी लोगों ने पत्रावली लगाई, उसमें मान्यता जिनका मानक पे था उनका हुआ और बाकी लोगों ने फिर अपने विद्यालय बंद भी किए। तो विगत 2 वर्षों से शासन का इस पे सख्त रवैया है और उसको हम लोग कड़ाई से उसका अनुपालन भी करा रहे हैं। बात करें, यहाँ एक सेंट कैथरीन स्कूल है मुगलसराय में, बिना मान्यता के चला था। आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि सभी बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नाम लिखा दें, इस तरह का कुछ हुआ? आप लोगों को लगता है नोटिस आप लोगों ने दिया था, तो क्या ये अमल में लाया गया विद्यालय प्रशासन द्वारा? बिल्कुल संज्ञान में आया, उनको नोटिस भी दी गई और उन्होंने अपनी मान्यता के लिए पत्रावली उपलब्ध कराई है जिस पे कार्रवाई हो रही है। चंदौली में शिक्षा माफिया इस कदर हावी हैं कि बिना मान्यता के ही स्कूलों का संचालन कर रहे हैं, जो न सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि अभिभावकों के जेब पर भी डाका डाल रहे हैं। एक आंकड़ों की माने तो चंदौली में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो बिना मान्यता या किराए की मान्यता पर चल रहे हैं और सूचना के बाद भी विभागीय अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इन शिक्षा माफियाओं को रोकेगा कौन? कमलेश गिरी, ईटीवी भारत, चंदौली।